हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में 51 मोस्ट यूजफुल एंड टाइम सेविंग शॉर्टकट की के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने टाइप किया सेल 2020 में कितना अमाउंट का सेल हुआ है और सेल 2021 में कितना अमाउंट का सेल हुआ है। अगर इन सभी अमाउंट को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे इक्वल टू सम, उसके बाद क्या करोगे, इन सभी को आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर करोगे। दोस्तों आप बिना ये करे आप जो है डायरेक्टली एल्ट प्लस इक्वल टू अगर आप प्रेस कर दो, एल्ट प्लस इक्वल टू ऑटोमेटिक दोस्तों इसमें सम फार्मूला ऐड हो जाएगा। एंटर करता हूँ, देखिए इसमें सम फार्मूला ऐड हो गया। अगर इसमें करता हूँ तो एल्ट प्लस इक्वल टू, देखिए दोस्तों इसमें भी सम फार्मूला ऐड हो गया। दोस्तों सम फार्मूला का शॉर्टकट की होता है एल्ट प्लस इक्वल टू। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, आप दोस्तों क्या करो, कंट्रोल प्रेस करके रखो। मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है। कंट्रोल दोस्तों आपको होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। फिर आपको क्लिक कर देना है जहां जहां पर आपको सेम टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे मैं यहां पे ऐसे क्लिक कर दे रहा हूं, ऐसे ऐसे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है, छोड़ा नहीं है। अब उसके बाद आप लास्ट में जहां पर आप क्लिक करते हो वहां पर दोस्तों आप टाइप कर दो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पे लर्न हो, उसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। देखिए दोस्तों कंट्रोल एंटर, ऑटोमेटिक जितना आपने सेलेक्ट किया उतने में दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों सेम टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। दोस्तों सेम टेक्स्ट टाइप करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, अगर दोस्तों आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, मतलब प्रिंट निकलने से पहले इसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करो, आप प्रेस करो कंट्रोल प्लस F2, फंक्शनल की का आपको प्रेस करना है F2। देखिए दोस्तों इसका दिखा रहा है कि इसका प्रिंट प्रीव्यू हमारा इस टाइप से निकलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। उम्मीद दोस्तों ये शॉर्टकट की आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, यहाँ दोस्तों आपने मैथ का नंबर टाइप किया, फिर इंग्लिश का नंबर टाइप किया, हिंदी का नंबर टाइप किया, इस टाइप दोस्तों आपने टाइप किया है। दोस्तों बीच में आप किसी और सब्जेक्ट का आप नंबर टाइप करना चाहते हो, बीच में एक कॉलम और मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, यहाँ से कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो, ऐसे क्लिक करो जहाँ पे ई टाइप है, ऐसे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। दोस्तों ये वाला प्लस जो बैक स्पेस के बगल में रहता है वो वाला प्लस आपको प्रेस करना है। मैंने किया प्लस, देखिए दोस्तों एक क्या हुआ, यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या कर सकते हो, आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, अगर आपको रो जोड़ना है तो रो के लिए आप यहाँ पर रो सेलेक्ट करो इस टाइप से। रो सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसका भी दोस्तों शॉर्टकट की यही होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो गया, एक रो ऐड हो गया। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की देखते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, जैसे मान लो आप इतना एरिया में आप केवल परसेंटेज का एंट्री करना चाहते हो, आप केवल इतना एरिया में परसेंट एंट्री करना चाहते हो, मतलब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 25, तो आप परसेंट टाइप नहीं करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक इसमें परसेंट लगा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप उतने एरिया को सिलेक्ट करो जहाँ तक आप परसेंट लगाना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट, जो हमारा 5 नंबर का की होता है सिंबल का, उसको आप प्रेस करो। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री करता हूँ, मैं लिखा 25, ऑटोमेटिक परसेंट आता जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, आप इतने एरिया में आप चाहते हो नंबर से पहले डॉलर का सिंबल आता जाए, तो आप सेलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट के साथ, आप 4 नंबर का जो की होता है डॉलर का सिंबल वाला, उसको आप प्रेस करो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करो, जैसे मैंने टाइप किया 25, ऑटोमेटिक दोस्तों डॉलर का सिंबल आ रहा है। देखिए दोस्तों 40 पहले डॉलर आ रहा है, जो भी आप टाइप करोगे ऑटोमेटिक उससे पहले क्या आएगा, डॉलर का सिंबल आ जाएगा। उम्मीद दोस्तों इस शॉर्टकट की आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगर दोस्तों इसको आप चाहते हो कि आप जैसा आपका पहले था वैसा हो जाए, आप इसको जनरल फॉर्मेट में करना चाहते हो, दोस्तों इसके बारे में दोस्तों मैंने पूरा ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी फॉर्मेट आ रहे हैं सबके बारे में, अगर दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखा है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ दोस्तों आप वीडियो देख लेना। अगर इसको आप जनरल फॉर्मेट में करना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है टिल्ड, ऑटोमेटिक दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर दोस्तों आप आज का करंट जो डेट हो रहा है उसको अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हो, तो आप क्या करो, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करो सेमी कॉलन। देखिए दोस्तों आज का यहाँ पे डेट आ गया। दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आप आज का टाइम इंसर्ट कराना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है सेमी कॉलन। देखिए दोस्तों यहाँ पे आज का टाइम आ गया। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, जैसे कि मान लो आपने बैकअप में 2-3 एक्सेल का फाइल खोले हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर टास्क बार में मेरा एक्सेल में एक फाइल खुला है, 2 फाइल खुला है। अगर आप दूसरे फाइल में जाना चाहते हो, अभी हम किस में हैं, 51 शॉर्टकट की एक्सेल वाले फाइल में है। अगर आप दूसरे, जैसे इसके बैकअप में फाइल खुला रहना चाहिए, एक्सेल का ही फाइल खुला रहना चाहिए, एक्सेल का फाइल देखिए दोस्तों खुला है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर आप डायरेक्टली उसमें जाना चाहते हो, आप कंट्रोल के साथ आप टैब प्रेस करो, ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों इसमें किस में आ गए, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए। दोबारा मुझे उसमें जाना है तो कंट्रोल टैब, इसका दोस्तों यूज आप इस टाइप से कर सकते हो।
दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा पेस्ट स्पेशल। दोस्तों सिंपल पेस्ट तो आप जानते ही होंगे, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी कंट्रोल सी से दोस्तों होता है कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे अगर आप पेस्ट करना चाहते हो सिंपल पेस्ट, तो हमारा कंट्रोल वी होता है इसका शॉर्टकट की सिंपल पेस्ट का। पेस्ट का एक एडवांस वर्जन होता है पेस्ट स्पेशल, इसके बारे में दोस्तों मैंने पूरा ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है पेस्ट स्पेशल के बारे में। ये दोस्तों पेस्ट स्पेशल दोस्तों बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सिंपल दोस्तों आप ये समझो, पेस्ट स्पेशल अगर आपको खोलना है तो आप सिंपल करो कंट्रोल एल्ट वी, अगर आप प्रेस करते हो तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ए टू जेड पूरा दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो इसके बारे में बना रखा है, ये दोस्तों वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अभी दोस्तों हम किस में हैं, अभी हैं सबसे पहले नंबर कॉलम में। अगर आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है, ये देखिए दोस्तों हमारा कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब कॉलम हमारी किस साइड है, राइट साइड है, तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करो। देखिए दोस्तों सबसे लास्ट में आ गए। अगर आपको सबसे पहले आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करो, सबसे पहले आ गए। अगर आपको दोस्तों इसी प्रकार सबसे नीचे आना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करो, देखिए दोस्तों सबसे नीचे आ गए। अगर दोस्तों आपको सबसे ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करो, देखिए दोस्तों सबसे ऊपर आ गए। उम्मीद दोस्तों चारों शॉर्टकट की आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, अगर दोस्तों सिंपल तो आप जानते हैं फाइल कैसे सेव किया जाता है, अगर कंट्रोल अगर एस आप प्रेस करते हो तो फाइल हमारा सेव होता है। लेकिन आप सेव किए हुए फाइल का आप नाम चेंज करना चाहते हो, उसका लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आप सेव एज का ऑप्शन दिया रहता है, इसका आप यूज करते हो। दोस्तों सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12, आप F12 प्रेस करो, उसके बाद दोस्तों इसका आप नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मोस्ट यूजफुल, इस टाइप से दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, यहाँ पर कर दिया मैंने सेव। देखिए दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया, उसके अंदर डाटा वही रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आप इसका चार्ट बनाना चाहते हो, दोस्तों चार्ट कैसे बनाओगे, आप इंसर्ट में जाओगे, फिर दोस्तों आप चार्ट ऐसे क्रिएट करोगे। आप डायरेक्टली क्या करो, F11 प्रेस कर दो, फंक्शनल की का F11। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक इसका एक जो है कॉलम चार्ट बन जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रेस करना है Shift+F8, आप प्रेस कर दो, बस मैं बता रहा हूँ, Shift+F8 मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आप जो है क्लिक कर दो जहाँ जहाँ आपको सेम टाइप करना है। मैंने ऐसे ऐसे क्लिक कर दिया, जहाँ जहाँ मुझे सेम टाइप करना है ऐसे मैंने क्लिक कर दिया। लास्ट में दोस्तों आप टाइप कर दो ऐसे लर्न हो, उसके बाद करो कंट्रोल एंटर। देखिए दोस्तों ये दोस्तों मैंने बताया था कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की। और Shift+F8 क्या होता है, होल्ड डाउन करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके नहीं रखना है, Shift+F8 प्रेस कर दो, उसके बाद दोस्तों क्लिक करते जाओ ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, हमारा होल्ड होता जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, अगर दोस्तों आप इस करंट फाइल में जो आप फाइल में काम कर रहे हो, मोस्ट यूजफुल इस फाइल का नाम है, अगर दोस्तों आप नया फाइल में आप काम करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जाते हो, फिर यहाँ पे आप न्यू फाइल पे आप क्लिक करते हो। आप दोस्तों डायरेक्टली क्या करो, कंट्रोल एन प्रेस कर दो, आपको डायरेक्टली एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों कंट्रोल एन, एक नया फाइल यहाँ पे देखिए दोस्तों ओपन हो गया। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा, अगर दोस्तों इसका आप सम करना चाहते हो या इसका अगर आप सम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे इक्वल टू सम, उसके बाद इन सभी को आप सेलेक्ट करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि बिना सेलेक्ट करे इसको हम एक्सेस कर सकें, तो आप क्या करो, सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट कर लो इन सभी को जिसको आप ऐड करना चाहते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस कर दो Ctrl+F3, उसके बाद दोस्तों आप क्या करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे उसके बाद मैथ नाम है तो मैथ ही नाम रहने दो, उसके बाद यहाँ से कर दो ओके, यहाँ से कर दो क्लोज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप सम इसका निकालना चाहते हो इक्वल टू सम, उसके बाद उसका नाम क्या था मैथ, तो आप ऐसे मैथ टाइप कर दो ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक इसका सम निकल गया, इसको इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप दोस्तों कहीं भी लगा सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखो इक्वल टू मिनिमम मैक्सिमम, कुछ भी दोस्तों आप निकाल सकते हो। इस टाइप से मैंने लिखा किसका, मैथ का, मैथ मैंने लिखा ब्रैकेट क्लोज किया, मैथ का वो एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया था एंटर। देखिए दोस्तों मैथ का मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 99 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर दोस्तों इसका मैं सम निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा, मैंने आपको शॉर्टकट की बताया Alt+ =, मैंने प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिक इसका सम हो गया। अब सम होने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पे डाउन फिल करना चाहता हूँ, हम चाहते हैं सब में जो है, अब सब में मैं ऐड करना चाहता हूँ ना इस टाइप से, तो आप क्या करो सेलेक्ट करो, अब डाउन में फिल करना चाहते हो डाउन में, तो आप करो Ctrl+D। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक क्या होगा, सब में सम फार्मूला लग गया। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसका सम निकालूंगा, तो मैंने किया यहाँ पे Alt+ =, सम लग गया। अब मैं यहाँ पे राइट फिल करना चाहता हूँ, अब राइट में हमारा अगर इस टाइप से अगर डाटा हो तो Ctrl+R प्रेस करो, राइट में आपका फिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों राइट में आपका फिल हो गया,
उम्मीद दोस्तों इस शॉर्टकट की आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, जैसे मान लो मैंने यहाँ से कोई शेप इंसर्ट करवा लिया, इस टाइप से मैंने शेप इंसर्ट करवा लिया। अब दोस्तों इस शेप के अंदर आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो आप प्रेस करो कंट्रोल जे, मैंने प्रेस कर दिया। अब दोस्तों इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उम्मीद दोस्तों इस शॉर्टकट की आपको समझ आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है तो गो टू का शॉर्टकट की होता है F5। अगर दोस्तों आप F5 प्रेस करोगे यहाँ पे गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप किसी सेल का नाम टाइप कर दो, मान लो आपको जाना है K55, मैंने कर दिया ओके। देखिए दोस्तों K55 में ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, कर्सर आके रुक जाएगा। किसी भी दोस्तों सेल का नाम टाइप करके आप तुरंत दोस्तों उस सेल में आप जा सकते हो। इस टाइप दोस्तों गो टू कमांड का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर दोस्तों यहाँ पे इसके आउटसाइड में आप बॉर्डर देना चाहते हो, इसके चारों साइड में आप बॉर्डर देना चाहते हो, तो आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो 7 नंबर का जो सिंबल वाला हमारा की होता है उसको आपको प्रेस करना है। देखिए दोस्तों इसके आउटसाइड में यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, देखिए दोस्तों इसके आउटसाइड में बॉर्डर आ रहा है। अगर दोस्तों इसके आप आल बॉर्डर देना चाहते हो आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करो एल्ट के साथ, दोस्तों एल्ट प्रेस करके छोड़ दो आप, उसके बाद प्रेस करो HBA। अब दोस्तों एच मतलब होम, बी मतलब बॉर्डर देना है, कहाँ पे देना है आल, मुझे सभी जगह बॉर्डर चाहिए। इस टाइप दोस्तों इसको दोस्तों आप याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों इसमें जो मैंने बॉर्डर दिया, इस बॉर्डर को आप अगर हटाना चाहते हो तो आप क्या करो, ऐसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो दोस्तों हमारा माइनस होता है अंडरस्कोर, उसको आप प्रेस करो। देखिए दोस्तों यहाँ से बॉर्डर क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। ये दोस्तों बॉर्डर आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो। अगर दोस्तों आप कमेंट देना चाहते हो इसमें, इस सेल में आप कमेंट देना चाहते हो, तो कमेंट देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ थोड़ी जाओगे रिव्यू में फिर आप कमेंट पे क्लिक करोगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। डायरेक्टली आप प्रेस करो शिफ्ट प्लस F2। दोस्तों शिफ्ट प्लस F2 होता है कमेंट का शॉर्टकट की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने ये दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पर आपने सपोज डेट बहुत सारे आपने कमेंट दिया है, आप चाहते हो वो कमेंट सेलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक, तो आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट ओ। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक जहां जहां जो है कमेंट हमने दे रखा है वो एरिया क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने क्या फायदा है, आप एक ही बार में यहाँ पर जाकर क्लियर कमेंट कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको एक एक करके करना पड़ता। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जैसे मान लो यहाँ पे कुछ अमाउंट टाइप है, आप गलती से कुछ इस टाइप से आप अमाउंट टाइप कर देते हो, आप चाहते हो कि जैसे इससे पहले वाला अमाउंट था वही आ जाए, तो इसको दोस्तों कैंसिल करने के लिए, कैंसिल सेल एंट्री, इसके लिए दोस्तों आप क्या करो, यहाँ पे एस्केप प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक इससे पहला जो आपका एंट्री था वही जो है आपका रिकवर हो जाएगा। आप दोस्तों कंट्रोल जेड भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल जेड से बढ़िया रहता है अगर आप केवल एक बार पीछे जाना है तो इससे बेटर रहता है एस्केप आप यूज करो। उसके बाद दोस्तों फिल्टर लगाना, दोस्तों फिल्टर तो आप जानते ही होंगे, दोस्तों फिल्टर प्लस मैंने एडवांस फिल्टर में वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आई बटन और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां दोस्तों आप वीडियो को देख सकते हैं। आप जो सिंपल समझो कि मैं यहाँ फिल्टर लगाना चाहता हूँ, कहीं भी डाटा आप कहीं पर क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद आप प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट एल। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मेनू आ रहा है ड्रॉप डाउन, इस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पे दोस्तों मान लो आप केवल दिल्ली का देखना चाहते हो, दिल्ली में कहाँ कहाँ सेल हुआ है, तो आप दिल्ली पर क्लिक कर दो, उसके बाद कर दो यहाँ से ओके। देखिए दोस्तों केवल दिल्ली का सेल दिख रहा है। इस टाइप दोस्तों हाइड और शो डाटा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आप ये जो है इसको हटाना चाहते हो, आपने जो ये फिल्टर दिया इसको आप हटाना चाहते हो, तो आप दोबारा वही शॉर्टकट की अगर आप प्रेस कर दोगे तो हट जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आप एल्ट एटी प्रेस करते हो, एल्ट के साथ एटी, तब भी दोस्तों ये हमारा हट जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि एक्सेस द रिबन, अगर जैसे ही दोस्तों आप प्रेस करते हो एल्ट, एल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों मेनू बार एक्टिवेट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहे हैं होम के लिए एच आप प्रेस करो, इंसर्ट के लिए एन प्रेस करो। अब दोस्तों आपको माउस का यूज नहीं करना है, जैसे मान लो मुझे जाना है यहाँ पे पेज लेआउट में, तो आप पी प्रेस करो, देखिए दोस्तों पेज लेआउट में आ गए। अब पेज लेआउट में आपको कहाँ पे जाना है उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है, आपको प्रिंट टाइटल में जाना है, कहाँ पे जाना है, विड्थ बढ़ाना है, हाइट बढ़ाना है। इस टाइप से दोस्तों इस मेनू बार का आप बिना माउस से आप कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपर लिंक, अगर दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी आप लिंक देना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ओपन आवर डॉक्यूमेंट, इस टाइप से मैंने टाइप कर दिया। अब दोस्तों इसका आप लिंक देना चाहते हो तो आप क्या करो, इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के प्रेस करना है आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइपरलिंक आ रहा है, किसी भी फाइल का आप लिंक दे दो यहाँ से कर दो ओके। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा लिंक बन जाएगा, जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा एक हमारा फाइल ओपन हो जाएगा इस टाइप से। उम्मीद दोस्तों ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसका सम वगैरह निकालना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू लगाओगे, फिर आप सम टाइप करोगे। दोस्तों सम आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, सम टाइप करने के बाद यहाँ पे सम शो हो रहा है, उसके बाद आप कर दो यहाँ से टैब। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक इसमें ब्रैकेट ऐड हो जाएगा,
इसी प्रकार दोस्तों कोई भी फॉर्मूला अगर आप ऐड करना चाहते हो इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया वी लुकअप। अब दोस्तों वी लुकअप के लिए आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप टैब प्रेस कर दो, नीचे देखिए शो हो रहा है सिलेक्ट है, टैब प्रेस कर दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ पे लग भी जाएगा प्लस वो पूरा फॉर्मूला भी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ ये जो 30 यहाँ पे टाइप है, ये 30 किससे किससे मिलके बना है, ये दोस्तों 20 और ये 10 ये भी 30 हो सकते हैं, ये तीनों 10 ये भी 30 हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, ये दिखा रहा है कि इस 10 से मिलके ये बना है। इसका दोस्तों बेसिकली यूज वहाँ पे होता है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे देखना चाहते हो ये टोटल किससे किससे मिलके बना है, तो आप क्या करो कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो, देखिए दोस्तों दिखा रहा है पूरा इसने एरिया सेलेक्ट कर लिया, इस टोटल जो है इससे जो है सम होके बना है। नेक्स्ट है, अगर आप देखना चाहते हो कि ये 10 किस पे डिपेंड है, अगर मैं इस पे देखना चाहता हूँ ये 20 किस पे डिपेंड है, मतलब इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा, मैं देखना चाहता हूँ, तो आप क्या करो कंट्रोल के साथ आप प्रेस करो यहाँ पे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए दोस्तों दिखा रहा है नो सेल्फ फाउंड, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका देखूंगा तो ये हमें दिखाएगा ये किसी पे डिपेंड है, मैंने किया कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये 30 पे डिपेंड है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये भी क्या होगा हमारा चेंज होगा, देखिए दोस्तों चेंज हो रहा है, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, उसके बाद दोस्तों आप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तो जानते ही होंगे, जैसे मैंने लिखा 12th, अब 12th में TH कहाँ पर रहता है, ऊपर रहता है, अब इस TH को मुझे ऊपर करना है, तो दोस्तों यहाँ पर तो कोई स्पेशल ऑप्शन दिया नहीं है कि सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का, अब दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक शॉर्टकट की प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट F, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, इसका दोस्तों आप यूज कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या करो TH को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करो, उसके बाद इस सुपर स्क्रिप्ट पे आप क्लिक कर दो, उसके बाद कर दो ओके, देखिए दोस्तों TH आपका ऊपर चला गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर लिखा H2O, इस दोस्तों 2 को आप क्या करना चाहते हो नीचे करना चाहते हो, तो आप क्या करो कंट्रोल शिफ्ट F भी प्रेस कर सकते हो, या दोस्तों आप P भी प्रेस कर सकते हो, तब भी दोस्तों वही डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है, आप यहाँ पे दोस्तों करो सबस्क्रिप्ट, उसके बाद कर दो ओके, देखिए दोस्तों 2 कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा, अगर मान लो आप कोई नोट वगैरह बना रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों आप वी लुकअप फॉर्म, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इस टाइप, दोस्तों आप समझ लो मैंने लिखा यहाँ पे वी लुकअप, उसके बाद आपको करना है टैब, उसके बाद दोस्तों आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ए, देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा पूरा फार्मूला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से दोस्तों आप इसका क्या कहीं पर नोट वगैरह में यूज कर रहे हो इसका सेलेक्ट करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से कोई भी फार्मूला का आप कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करोगे ऑटोमेटिक वो पूरा फार्मूला उठ के जो सेल में आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कस्टम फॉर्मेट, दोस्तों कस्टम फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है दोस्तों एडवांस कस्टम फॉर्मेट में, दोस्तों किस जैसे कि मान लो किसी मोबाइल नंबर से पहले आपको 0 ऐड करना है, उसमें दोस्तों मैंने बेस्ट एग्जांपल के साथ मैंने कस्टम फॉर्मेट आपको समझाया है, दोस्तों ये वीडियो आप देख लेना। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक टाइप समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आपको किसी मोबाइल नंबर से पहले आपको यहाँ पे 0 ऐड करना है, तो आपको दोस्तों इस मोबाइल नंबर से पहले 0 ऐड करना है, प्रेस करो कंट्रोल 1, दोस्तों जो सिंबल का 1 होता है उसको प्रेस करो, प्रेस करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है नंबर में, आपको जाना है नंबर में, नंबर में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, ये दोस्तों पूरा मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है इसके बारे में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जनरल को आप हटा दो, इस टाइप से दोस्तों लिखना है डबल कोट के अंदर आपको लिखना है पहले 0, फिर उसके बाद दोस्तों नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, हैशटैग से, मैंने हैशटैग लिख दिया उसके बाद कर दिया मैंने ओके, देखिए दोस्तों सभी नंबर से पहले 0 ऐड हो गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एफ, अगर दोस्तों इसमें आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करो कंट्रोल एफ प्रेस कर दो, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप नंबर फाइंड करना चाहते हो या कोई नेम फाइंड करना चाहते हो, सिंपल उसका आप नाम टाइप करना है, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा हाईलाइट हो जाएगा, फाइंड नेक्स्ट या एंटर आप प्रेस कर दो, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है हाईलाइट हो रहा है। कोई भी नंबर अगर आप फाइंड करना चाहते हो यहाँ पर नंबर आप टाइप कर दो, यहाँ पर कर दो फाइंड नेक्स्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पर जहाँ जहाँ नंबर रहेगा वह क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक हाईलाइट होता जाएगा। उम्मीद दोस्तों ये फाइंड का आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आप दोस्तों अगर इसको अगर मिनिमाइज आप करना चाहते हो या दोस्तों कभी मिनिमाइज हो जाए उसको आप रिस्टोर करना चाहते हो, ये दोस्तों हमारा जो टैब है तो आप कंट्रोल F1 प्रेस करो, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमाइज अगर हो गया तो इस टैब से आप कर दोबारा F1 प्रेस कर दो कंट्रोल के साथ, ये दोस्तों टैब हमारा हाइड शो हो रहा है। अगर दोस्तों आपको इस रो को हाइड करना है, कभी कभी दोस्तों यूज होता है रो को आप हाइड करना चाहते हो, डिलीट नहीं करना हाइड करना है, तो आप प्रेस करो कंट्रोल के साथ 9, देखिए दोस्तों ये हाइड हो गया, दोबारा उसको आप लाना चाहते हो, देखिए दोस्तों 3 और 4 5 यहाँ पे क्या है हाइड है, तो इस 3 और 6 ऊपर नीचे को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करो, देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 9 जो है ये आपको सिंबल वाला प्रेस करना है,
न्यूमेरिक का दोस्तों अभी तक जितना मैंने बताया न्यूमेरिक के एक भी आपको यूज नहीं करना है, सारे दोस्तों आपको सिंबल वाले यूज करने हैं। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा अनहाइड हो गया। अगर दोस्तों आप इस कॉलम को, दोस्तों नेक्स्ट अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो आप ऐसे सेलेक्ट करो दोस्तों, आप प्रेस करो कंट्रोल के साथ जीरो, देखिए दोस्तों ये हाइड हो गया। अगर दोस्तों आप दोबारा इसको आप लाना चाहते हो तो आप क्या करो, ऐसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद अगर दोस्तों आप कंट्रोल शिफ्ट जीरो प्रेस करोगे तो ये दोस्तों काम नहीं करता है। ये हमारा 2007 में और 2010 में दोस्तों इसमें काम नहीं करता है, ये दोस्तों 2013 से 2013 और 2013 से ऊपर वाले में काम करते हैं। तो इसको अगर दोस्तों आपको लाना है तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आ रहा है अनहाइड, इस पर क्लिक कर दो, ये हमारा अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अगर दोस्तों आपको ये करंट फाइल अगर आपको क्लोज करना है, जैसे मैं इस फाइल को पहले सेव कर देता हूँ, अगर आप कंट्रोल F4 प्रेस करते हो तो आप इस एक्सेल के फाइल से जो आप करंट में आप जिस फाइल में काम कर रहे हो मोस्ट यूजफुल नाम के फाइल में, ये फाइल दोस्तों हमारा क्लोज जाएगा। मैंने किया कंट्रोल F4, देखिए दोस्तों ये फाइल क्लोज हो गया, इसके बैकअप में जो हमारा एक्सेल का फाइल खुला था वो ओपन हो गया, ये दोस्तों ओपन हो गया। अगर आपको एक्सेल का फाइल को क्लोज करना है तब दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक शॉर्टकट की और होता है हमारा Alt F4, इससे दोस्तों क्या होगा कि पूरा दोस्तों एक्सेल का सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं प्रेस करता हूँ Alt F4, उसके बाद पूछ रहा है आप सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव करके ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिर इसमें पूछ रहा है इसमें भी मैं सेव करना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक आप एक्सेल के फाइल से बाहर आ गए। उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले जितने भी नए वीडियो ट्यूटोरियल है सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।